ओके हाय गाइस, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपके एज यू नो एग्ज़ाम्स हैव बीन पोस्टपोन टू जुलाई। सो आपके इंस्टीट्यूट की जब आप साइट पे जाओगे, मैंने पहले भी बोला आप साइट पे प्लीज़ अपडेट्स चेक करते रहा करो। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ICAI.org पे गए, स्टूडेंट्स पे गए, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल पे आप जाओगे एंड वंस यू गो ऑन दैट देन यू फाइंड योर ओके ये देखो आपको रेड में दिख रहा होगा, एक न्यू फ्लैश होता है वो आपको दिख रहा होगा वही। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो आपकी न्यू मॉक टेस्ट सीरीज हैज़ बीन बेसिकली रिलीज फॉर जुलाई एग्जाम्स। एंड इन दिस व्हेन यू गो फॉर फाउंडेशन एग्जाम दैट इज़ योर बिजनेस इकोनॉमिक्स के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फोटो तो मैंने खोला हुआ है बट स्टिल मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इसको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइन ओके नाउ इसमें आपके क्वेश्चंस भी हैं आंसर्स भी हैं बट स्टूडेंट्स टोल में कि मैम आंसर सीधा देखते हैं, कहीं क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है, वी वांट कि आप थोड़ा डिस्कशन कर दो इन क्वेश्चंस को। सो मैंने ये वाला जो है ना पार्ट क्वेश्चंस ये मैंने खोला हुआ है यहाँ, वन सेकेंड ओके। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका न्यू सेक्शन इंसर्ट हुआ है फॉर मे 2020, एज यू कैन सी टेस्ट सीरीज मे 2020 है ये। और मैं स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँ ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ। आई होप दिस इज़ फाइन ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस एंड ओके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड। तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को डिफाइन करता है कि एज द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, यानी कि नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, यानी कि एक नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, इट डज़ नॉट शो एनी पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, सेकेंड द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। लॉ ऑफ सप्लाई आपकी क्या होती है? इट डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस, यानी कि जैसे जैसे किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ेगा तो जो सेलर है वो क्या करना चाहेगा, उसका सप्लाई बढ़ा देना चाहेगा, क्यों? टू अर्न मोर प्रॉफिट। सो नेचुरली एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। तो अपना सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बी, दैट इज योर लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। आपके क्लैरिटी के लिए आगे पढ़ देती हूँ बट आपको यहीं से आपका एक्चुअल में आंसर खत्म हो गया, बट लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर सी। एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एज द कंजम्पशन ऑफ एनी कॉमोडिटी इज इंक्रीज द एवरेज रिटर्न स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। तो अपनी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होती है वो कहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कॉमोडिटी का अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल रिटर्न कम होने लगता है, लेकिन एवरेज रिटर्न वो तो हमारा बढ़ने लगता है क्योंकि टोटल रिटर्न क्या होता है, कम होने लगता है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। याद दिलाने के लिए बता दूँ, व्हाट इज एवरेज रिटर्न? टोटल रिटर्न अपॉन एन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एनीवेज इसमें हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज योर द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनोमेट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एट एन एग्रीगेट लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑफ कोर्स सी एंड डी तो नहीं है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज चॉइस इज क्रिएटेड बाय द। अब चॉइस की बात कब आती है? जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारी हो तब हमें चॉइस करने पड़ती है, या हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो तब हमको ऑल्टरनेटिव उसमें से चूज करने पड़ते हैं, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, उस केस में हमको चॉइस करनी पड़ती है। हमारे पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है देन वी कैन यूज देम ऑलवेज, नो नीड टू मेक एनी चॉइस। तो आंसर क्या हो गया थर्ड का? ऑप्शन नंबर बी, क्लियर ओके। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड यू कंसिडर टू बी नॉर्मेटिव वन। अब हमने पढ़ा था दो टाइप के अपने स्टेटमेंट्स होते हैं या डिसीजंस होते हैं जिसको कि हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या बताते हैं? कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि नाउ डेज COVID-19 पैंडमिक इज गोइंग ऑन। सो दिस इज वॉट, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक फैक्ट बता रहा है, एक सच्चाई बता रहा है। ठीक है, और नॉर्मेटिव क्या होता है? इट प्रोवाइड्स सजेशंस कि हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। सो इट प्रोवाइड्स कि हमें क्या करना चाहिए, वी ऑट टू यूज़ मास्क, वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो यानी कि हम कुछ सजेशंस जब दे रहे हैं तो वो हमारा बन जाता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, और जब हम कोई फैक्ट बताते हैं कि ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ योर पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन जब हम कहते हैं ऐसा करना चाहिए, दिस शुड बी डन, वी आर सजेस्टिंग समथिंग, तो वो क्या होता है? वो नॉर्मेटिव होता है। तो अब आपके पास फोर ऑप्शन है, इसमें से आपको नॉर्मेटिव वाला बताना है। सो लेट्स रीड देम वंस बाय वन, लैंग्वेज से देख।